तो साथियों देखोगे यहाँ पे कि अपना एंट्री जो होती है वो एंट्री होती है 19,058 पे, 19,058 पे अपना एंट्री होती है। और देखोगे कि ये 2000 पॉइंट निफ्टी ऊपर चला जाता है, 2000 पॉइंट अपना जो एग्जिट होता है वो 20-21,000 के आसपास अपना एंट्री होता है, एग्जिट होता है। तो आप अंदाज़ा लगा लो कि 2000 पॉइंट निफ्टी मूव करता है, ये इंडिकेटर है जो केवल लगाओगे और आपको पता चलेगा 2000 पॉइंट तक आपको बेनिफिट देता है ये इंडिकेटर। ये इंडिकेटर दुनिया का सबसे बेस्ट और पावरफुल इंडिकेटर है। तो साथियों इस वीडियो में हम लोग पूरी डिटेल्स में बात करेंगे कि बड़े बड़े मूव कैसे कैप्चर किए जाते हैं, कैसे आपको पता चलेगा कि मार्केट में बिग मूव आने वाला है, चाहे आप निफ्टी में करते हो ट्रेडिंग और फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हो, या तो फिर आप किसी भी स्टॉक में ट्रेडिंग करते हो। मेरा एक इंडिकेटर है जो मेरा पर्सनल जो सेटअप है, जिस मैं इंडिकेटर को यूज़ करता हूँ, जिस मैं इंडिकेटर के वजह से आज मैं काफ़ी अच्छे प्रॉफिट किया, वो अब पिछले देखा जाए तो 3 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस के साथ इस इंडिकेटर का मेरे पास पावर है और मैं आपको दिखा सकता हूँ एज ए लाइव मार्केट में भी। तो ये इंडिकेटर कैसे काम करता है, कहाँ काम करता है, कुछ नहीं करना है, बस आपको इंडिकेटर को लगाना। अगर आपके पास टाइम हो ना हो, कोई भी हो, इस इंडिकेटर को अगर आप लगाते हैं, लगाने के बाद आप 90% ही नहीं 99% प्रॉफिट का चांस होगा, 99% आप प्रॉफिट करोगे, 99%। ओके, इसमें आपको इंट्राडे नहीं, इसमें आपको स्विंग ट्रेडिंग करना होगा, स्विंग ट्रेडिंग और ऑप्शन ट्रेडिंग आप कर सकते हैं इस इंडिकेटर को लगाने के बाद। बहुत ही अच्छा बेस्ट रिजल्ट आपको मिलता है। इसके लिए आपको इंडिकेटर में जाना है, इंडिकेटर में आपको सर्च करना है RSI। ओके, RSI जैसे आप सर्च करेंगे जो सबसे पहला इंडिकेटर आपको मिल जाएगा, और रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, इससे आपको अपने चार्ट पे अप्लाई कर लेना है। जैसे अप्लाई करेंगे तो आपके पास कुछ इस प्रकार का इंटरफेस हो जाएगा। आपको इसमें करना क्या है समझना, देखो इसको सेटिंग में कुछ भी आपको छेड़छाड़ नहीं करना है, पहले इसकी सेटिंग को आप समझ लीजिए ध्यान से, ये क्या है अपर लेवल और इसका लोअर लेवल क्या होता है। देखिएगा इसका लोअर लेवल अपर लेवल क्या है, 70 का, यानी कि 70 का इसका अपर लेवल है, यानी कि ये जो 70 है इसका अपर लेवल है, और नीचे जो है सो 30 है, मतलब 70 से लेकर के 30 के बीच में ही मार्केट चलता है, ये कंफर्म है 70 से लेकर के 30 के बीच में, ऐसे समझें या आप ऐसे समझें 30 से लेकर के 70 के बीच में ही मार्केट चलता है। ठीक है, तो इसी में मार्केट चलता है, इसके ऊपर नहीं जाता। अब इसमें आपको करना क्या है समझना, जब भी मार्केट ये 70 के लेवल को हाई को ब्रेक करता, 70 के ऊपर जाता, तो अब समझ जाना है कि मार्केट यहाँ से कुछ ना कुछ करेक्शन करेगा और मार्केट नीचे गिर सकता है। ठीक है, तो अगर आपको बाइंग का सोचना है तो जिस भी स्टॉक्स में, कोई भी ऐसा स्टॉक्स हो, कोई भी स्टॉक हो, जिस भी स्टॉक में RSI, ओके, RSI आपको 30 के पास या 30 के नीचे मिले, 30 के पास या 30 के नीचे मिले, आपको इन्वेस्टिंग करना स्टार्ट कर देना है। इन्वेस्टिंग कब करना है, जब RSI कितना पर मिले आपको, 30 पे मिले, ओके, 30 पे या 30 के नीचे मिले, आपको इन्वेस्टिंग करना स्टार्ट कर देना। अगर आप स्टॉक में काम करते, फिर भी फ्यूचर में काम करते, फिर भी किसी भी चीज़ में अगर आप काम करते हैं तो आपको इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर देना। अब आपका टारगेट क्या हो सकता है, आपका टारगेट केवल होगा RSI जब तक 70 के ऊपर ना जाए, 70 के पास ना जाए, कम से कम 70 ना जाए, तब तक आपको एग्जिट नहीं करना है। अब देखिए ये कैसे काम करता है, आइए हम आपको दिखाते हैं। देखिएगा पहले हम लोग बाइंग का सोच लेते हैं, उसके बाद हम लोग सेलिंग का सोचेंगे। अब देखोगे यहाँ पे ये चार्ट देखोगे आपको नीचे देखने को मिल रहा है, ये कब का है ये देखोगे तो 26 अक्टूबर 2023 यानी कि 26 अक्टूबर 2023 को RSI 30 के पास आया था, 30 के पास 30 से नीचे आया हुआ है। ठीक है, तो हमारा हमने आपको क्या बताया, आपको बाइंग या सेलिंग कब करना है, जब RSI 30 के पास आएगा। अब देखो 30 के पास क्या है, ये 30 के पास आ गया, अब यहाँ पे हम इन्वेस्टिंग करने के लिए स्टार्ट कर देंगे। अगर आप फ्यूचर ट्रेडिंग करते तो यहाँ पे आप इन्वेस्टिंग करो, जितना कर सके आप इन्वेस्टिंग करोगे, और आपको एग्जिट कब हम बोले करने के लिए, जहाँ पे RSI 70 के पास जाएगा या 70 के ऊपर जाएगा। अब वहाँ पे एग्जिट करना कैसे, उसका भी टर्म एंड कंडीशन हम आपको बताते हैं। देखोगे यहाँ पे RSI 70 के पास चला गया, ठीक है, तो अब आपको जैसे RSI 70 के पास चला जाएगा उस दिन आपको क्या करना है, देखो 70 के पास चला गया, अब आपको क्या करना है, इंतज़ार करना है डेली टाइम फ्रेम पे कि जब तक लो, डेली टाइम फ्रेम पे जब तक लो ब्रेक नहीं होगा तब तक आपको एग्जिट नहीं करना है। ओके, डेली टाइम फ्रेम पे किसी भी कैंडल का हाई ना ब्रेक होकर के लो ब्रेक होगा तब आपको एग्जिट करना है।
मतलब आर एस आई 70 के ऊपर हो जाने चाहिए पहली टर्म एंड कंडीशन। दूसरी टर्म एंड कंडीशन उसका हाई ना ब्रेक होकर के उसका लो जिस दिन ब्रेक होगा आपको एग्जिट करना। अब देखोगे यहाँ पे हमारी एंट्री होती है 19,058 के आसपास, लगभग 19,000 के आसपास हम लोग एंट्री करते हैं और एग्जिट करने का मौका देखो हम लोग कहाँ देता है, लगभग 2000 पॉइंट ऊपर जाकर के हमें एग्जिट करने का मौका देता है। तो उसके बाद देखो बड़ा सा मोमेंटम नहीं आ सकता, बड़ा सा मोमेंटम नहीं आएगा, कंसोलिडेशन ही चलेगा। क्योंकि बड़ा सा मोमेंटम तब आता है जब आरएसआई हमको इंडिकेट करता है और आरएसआई हमें यहाँ इंडिकेट किए हुआ है, उसके बाद देखने कितना बढ़िया गया। और जब आरएसआई ऊपर गया तो देखो उसके बाद क्या हुआ, कंसोलिडेशन स्टार्ट हो गया, हो गया। फिर आरएसआई नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर आरएसआई क्या कर रहा है, आरएसआई यहाँ पे कंप्लीट देखो डाउन ट्रेंड में दिख रहा है ना, आरएसआई कंप्लीटली डाउन ट्रेंड में। इससे ये कन्फर्म होता है कि मार्केट यहाँ पे साइडवेज होकर के मार्केट गिर सकता है। और देखो मार्केट धीरे धीरे क्या किया, मार्केट पुनः नीचे आया, बिग मूव खत्म हो गया, जिस बिग मूव का हमें उम्मीद था वो सारे बिग मूव खत्म हो गया, ठीक है। तो इसलिए हमें ये इंतज़ार करना है और इन्वेस्टिंग कब करना है, जब तक कि आरएसआई 30 के पास ना। जैसे अभी देखोगे अभी प्रेजेंट टाइम की मार्केट की हम बात बता दें तो प्रेजेंट टाइम में देखोगे आरएसआई यहाँ पे क्या है, 30 के पास आ चुका। तो ये सोचो एक साल से दो साल बाद पुनः ये 30 के पास आरएसआई देखने को मिल रही है, यानी कि मार्केट अब यहाँ से एक बड़ा सा करेक्शन देखने को मिल सकता है, एक बड़ा सा करेक्शन। अब बोलोगे डाउन साइड में, नहीं, आरएसआई 30 के नीचे है तो मार्केट डाउन साइड में तो नहीं जाएगा भाई। मार्केट डाउन साइड में भले दो दिन आकर के तीन दिन आकर सस्टेन करे, एक दो दिन इंट्राडे में आपको जो भी प्रॉफिट मिल जाए डजेंट मैटर, हो सकता है ये इंट्राडे में आपको प्रॉफिट मिल जाए, अच्छे अच्छे प्रॉफिट देखने को मिल जाए, हाँ। लेकिन लॉन्ग टर्म में ये कन्फर्म है कि मार्केट एक बड़ा सा रफू चक्कर होने वाला है, ये कॉल साइड में जाने वाला है, क्योंकि आरएसआई काफ़ी दिनों के बाद एक बड़ा इंडिकेट कर रहा है मार्केट बुलिशनेस का। तो मार्केट बुलिश होने वाला है ये कम्प्लीटली हमें देखने को मिल रही है और ये बुलिश होगा। अब देखना जो भी यहाँ पे टाइम डीके करे, जितना दिन टाइम डीके करे, लेकिन जब निकलेगा तो काफ़ी अच्छा सा रैली मार्केट में देखने को मिलेगा और ये रैली काफ़ी बड़ा सा होने वाला है। तो इसमें बहुत बड़ा सा प्रॉफिट देखने को आपको मिल सकता है। तो इसलिए आपको, चलिए हम कुछ स्टॉक को एनालाइज करते, कुछ स्टॉक में देखते हैं। एक चीज़ आप हमेशा ध्यान रखेंगे, ये जो मेरा सेटअप है ये डेली टाइम फ्रेम पर वर्क करता है और डेली टाइम फ्रेम पर ही आपको काम करना है। ये इन्वेस्टिंग के लिए सबसे बेस्ट स्टॉक्स मतलब इंडिकेटर है स्टॉक्स में, चाहे जो भी स्टॉक्स में आप इन्वेस्ट करते हैं। चलो हम दो चार स्टॉक्स को आपको एनालाइज करके दिखाते हैं। ये देखोगे आप यहाँ पे रिलायंस का शेयर है, ठीक है, ये रिलायंस कंपनी उसी का शेयर है, हैं। और हम ये आपको किसी भी प्रकार से बाई करने के लिए रिकमेंडेशन नहीं दे कर रहे हैं, ये टेक्निकल एनालाइज है जो हम आपको भी बता रहे हैं, ठीक है, जो मेरा रिसर्च है ये चीज़ें हम आपको बता रहे हैं। आप देखोगे यहाँ पे तो आरएसआई यहाँ पे देखोगे 30 के आसपास काफ़ी दिन से ये यहाँ पे ट्रेड कर रहा है, समझना, काफ़ी टाइम से यहाँ पे ये ट्रेड कर रहा है, ठीक है। देखोगे प्राइस क्या कर रहा है, प्राइस लो ब्रेक कर रहा है, लेकिन आरएसआई को देखोगे अगर आप ध्यान से तो लो नहीं ब्रेक कर रहा है। अब ध्यान से देखोगे तो आपको पता चल जाएगा, क्योंकि देखो फर्स्ट टाइम आरएसआई जो लो लगाया है वो कितना का है, 27 का। उसके बाद ये 27 से हालात थोड़ा सा ऊपर की तरफ ही मूव कर रहे हैं, प्राइस लो की तरफ तो जा रहा है लेकिन आरएसआई नहीं लो की तरफ नहीं जा रहा है। अब ये 27 के नीचे मतलब 30 के नीचे हमें देखने को मिल रहा है आरएसआई। इससे पहले देखते हैं कि कभी अगर 30 के पास आया हो या 30 के नीचे आया हो तो उसके बाद कैसा मूवमेंट किया है। अब देखोगे यहाँ पे तो आरएसआई ये डेली टाइम फ्रेम पे ही वर्क करता है, काफ़ी अच्छा सा वर्क करता है। यहाँ पे देखोगे आरएसआई आया हुआ है 30 के नीचे, यानी कि 25 के आसपास, यहाँ पे जब इसकी प्राइस था 1100 के आसपास, एंड इसके बाद इन्वेस्टिंग करना है यहाँ पे आपको। और देखो यहाँ से रैली कहाँ से मिला, 1100 से लेकर के ये 1500 तक, यानी कि 400 रुपया पर शेयर आपको यहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिल रही है, 400 रुपया पर शेयर, ओके। तो ये चीज़ होता है। अब आपको एग्जिट करने के लिए, तो एग्जिट करने के लिए हम आपने आपको तरीका बता ही दिया है, है ना। तो जब तक ये ब्रेक नहीं होगा तब तक आपको एग्जिट नहीं करना है। इस तरीके से कई सारे स्टॉक्स हैं, हम एक ही की नहीं बात कर रहे, बहुत सारे स्टॉक हैं। ये इन्वेस्टिंग के लिए सबसे अच्छा आरएसआई सबसे बेस्ट है, किसी भी प्रकार का आपको यहाँ पे आपको सेटिंग चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। और भी दो चार स्टॉक हम दिखाते हैं सेम तरीके से यहाँ पे, जैसे हुआ था कुछ दिन पहले और मार्केट रफू चक्कर काफ़ी तेज बुलिशनेस हुआ था, सेम तरीके से देखोगे तो अब पुनः फिर से वही टर्म एंड कंडीशन यहाँ पे आ चुका है। तो क्या फिर से बुलिशनेस देखने को मिलेगा, तो आप यहाँ से इन्वेस्टिंग कर सकते हैं। जी हाँ बिल्कुल, फिर से बुलिशनेस आपको देखने को मिल सकता है, ये मेरा टेक्निकल एनालाइज कहता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप भी टेक्निकल एनालाइज करें। और भी दो चार स्टॉक्स हम निकालते हैं।
गाइस देखोगे तो ये HDFC बैंक है। HDFC बैंक की बात किया जाए तो HDFC बैंक में ऐसा कुछ मोमेंटम नहीं है अभी जो आप इसमें इन्वेस्टिंग करो। ये RSI जो है सो अभी ये 30 के आसपास नहीं गया है, ऑलरेडी बीच में एक बार ये आया था इसके आसपास लेकिन यहाँ से रिवर्स कर गया, ठीक है। तो अभी ये HDFC बैंक में ऐसा कोई सिचुएशन तो नहीं है, लेकिन देखते हैं पीछे जब बड़ा हुआ होगा तो फिर कैसा मोमेंटम किया है। देखोगे आप यहाँ पर आपको देखने को यहाँ पर मिल जाएगा, ओके। सो यहाँ पर जैसे आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर RSI देखो ये 30 के आसपास मिलना स्टार्ट हो गया था। हम लोग यहाँ पे इन्वेस्टिंग कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं, काफ़ी लॉन्ग पोजीशन कर सकते हैं। और ये 1385 रुपये था और 1385 रुपये से देखोगे इन्वेस्टिंग के अनुसार अब देखोगे ये एक बार ये 1385 से 1700 लगभग 1800 के आसपास तक गया है, ठीक है। तो आप अंदाज़ा लगा लो 1300 से 1800 लगभग 500 रुपया पर स्टॉक आपको प्रॉफिट देखने को मिला है। तो ये सारे चीज़ इन्वेस्टिंग का बहुत ही बेस्ट स्टॉक्स है और बहुत ही अच्छे अच्छे स्टॉक्स हैं जिसमें आपको सबसे पहले RSI लगाना है। RSI लगाने के बाद आपको ये देखना है कि RSI जब भी 30 के नीचे देखे या 30 के आसपास दिखे तो आपको उस स्टॉक्स में इन्वेस्टिंग करना स्टार्ट कर देना है, इन्वेस्टिंग करना स्टार्ट कर देना है, ठीक है। जितना हो सके इन्वेस्टिंग करेंगे और आपको अच्छे प्रॉफिट रिटर्न मिल जाएगा। तो इस तरीके से बहुत सारे चीज़ें हैं, ये सेटअप सबसे बढ़िया काम करता है स्टॉक मार्केट में। और चाहे आप फ्यूचर ट्रेडिंग करते हो, ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो, कहीं भी आप इसे इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आप बेस्ट एक सेटअप डिज़ाइन कर सकते हो आप अपने लिए।